थोड़ी चंदड़ी से आने के बाद, खाना खुना खाने के बाद अब आगे नीचे अनु भाई की बाइक में सीधे। आई होप कि एंगल ठीक आ रहा होगा। अभी जा रहे पहले हम सोनप्रयाग मार्केट में, पहले काम इसको निपटाते हैं, उसके बाद जाते हैं सोनप्रयाग। तो अभी निकलते हैं घर से सोनप्रयाग की ओर। मॉर्निंग को मैंने अनु भाई को बोल दिया था कि मेरे को सोनप्रयाग जाना है बाल कटवाने के लिए, तो इन्होंने बोला कि मेरे को भी कटवाने हैं। मैंने बोला आपके बाल तो छोटे ही हैं, आपको बाल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं मेरे को कटवाने और छोटे करने। मैंने कहा ठीक है, और मेरे को तो एकदम छोटे करने हैं इस बार, एकदम पूरे बाल काटने हैं। ये चुटिया चुटिया बहुत हो गया है, क्योंकि अभी वो वाला, क्योंकि अभी वो लाइफ स्टाइल रही नहीं हमारी कि हम लंबे बाल रख सकें, कि दिन भर तो हमारी टोपी पहनी हुई रहती है। मॉर्निंग को हम घास के लिए जाते हैं, डेली घास के लिए जाते हैं, और डेली पसीना आता है, तो डेली बाल धोना पॉसिबल है नहीं ठंड के महीने में। मैंने अभी 3 दिन से मुंह नहीं धोया, तो बाल धोना बड़ी दूर की बात है। तो मैंने थोड़ा सोचा परखा क्या सही है नहीं है, तो एकदम सही है, क्योंकि सिर हमारा एक टाइम ऐसा नहीं रहता बिना टोपी के रहता है। हर समय आपने देखा होगा ब्लॉग में भी टोपी पहनी हुई रहती है, क्योंकि पहाड़ में ठंडी इतनी है, तो क्या करें। तो अभी कॉलेज वाली लाइफ स्टाइल ख़त्म हो गई है, अभी हम कॉलेज में नहीं है, घर में है, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे काम करने होते हैं, सर में सबसे ज़्यादा पसीना आता है, और उसकी वजह से हेयर फॉल होता है। अगर हम उसकी वजह से होता है हेयर फॉल, अगर आपने टाइम से बाल नहीं दिए, बाल नहीं धोए, आपने ठीक से मेंटेनेंस नहीं किया। हर चीज़ करने के अलग अलग तरीके होते हैं, तो बालों को मेंटेन रखना है तो उसकी व्यवस्था भी करनी ही पड़ेगी, और हमारे पास उतना टाइम है नहीं, और रखने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। लंबे बाल रखे हुए हमने और पूरा दिन हमारी टोपी पहनी हुई है, तो उन लंबे बाल रखने का फ़ायदा ही नहीं है। और मेरे यहाँ कल ही यार, जब मैं कल ही यार रखता हूँ तो ऐसा लगता है कि सर में कोई टोकरा रखा हुआ होगा, ऐसा लगता है। मैं खुद की बेइज्जती खुद ही कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा लगता है। लेकिन अभी थोड़ा हमको उसको हेयर स्टाइल को उसी में कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा, फिर जाकर ठीक लगेंगे। लेकिन अब लंबे बाल नहीं रखेंगे, एक वो वाली लाइफ स्टाइल हो जाएगी, जब घर में काम करने नहीं पड़ेंगे उतने ज़्यादा, फिर रखेंगे। अभी तो निकलते हैं सोनप्रयाग की ओर, निकलते हैं सोनप्रयाग की ओर, और आपको सोनप्रयाग में मिलते हैं फिर नाई की दुकान पे। तो अभी ये कटने वाले हैं पूरे, कैसे लग रहा हूँ मैं, कौन दिक्कत है, कौन है, तो 4-5 ऐसे बाल नहीं हुए, तो ये हाल होते हैं अभी की। अभी अभी मेरा बाल हो ना आपका, तो मेरा एक साल के ज़्यादा ही हो गए हैं, कटवाते हैं इनको क्या करें। चले लेट्स गो। ओ रे ठीक सब जो जा रहे मियाज पर आए। हां सब, तो अभी निकलते हैं घर की ओर सोनप्रयाग से। बाल बुल हमने कटवा दिए हैं, तो बारिश हो रही थी, अब बारिश के साथ धूप निकली हुई थी, अभी दोनों लोगों ने बाल कटवा दिए हैं, और अभी निकल रहे हैं घर की ओर। उम्मीद ये कर रहे हैं कि बारिश ना हो, उम्मीद ये कर रहे हैं कि बारिश ना गिरे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो भाई फिर यहाँ पहले ही बुखार आया हुआ है, फिर और आ जाएगा। अब हुआ वाइजर ऑफ, अब बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है कि ठंड आ रही है क्या आ रही है, अब तो ब्लॉग बन रहा है बस। इन बाइकों में क्या है कि इनमें आपको पिकअप बनाना नहीं पता है, मेरी बाइक को एक बार पिकअप बनाना पड़ता है फिर जाके चलती है बाइक। इसमें तो एकदम एक्सीलेटर दो और गाड़ी सीधे पिकअप पकड़ लेती है। लेकिन ये ऐसे ऑफ रोड के लिए नहीं है ये बाइकें, इनमें बहुत दर्द होता है ऑफ रोड में, ये बाइक उछलती बहुत है, और हम भी
ये हमारे घर वाली रोड है, लेकिन रोड थोड़ा बारीक है, देख के चलना होता है थोड़ा। अगर हाईवे होता तो एकदम क्या गाड़ी भगनी थी अभी, लेकिन अभी तो आगे कोई भरोसा नहीं। हाँ अभी आगे कोई भरोसा नहीं है, ट्रक भी आ सकता है और कार भी आ सकती है, एकदम देख के चलना पड़ता है। ओह सामने देखिए कितनी अच्छी बर्फबारी हो रही है, लेकिन हमारे लिए वो अच्छी नहीं है, वो हमको भी बिगाड़ सकती है अगर उसके साथ वो थोड़ा आगे निकलती है। ओहो ये रोड है, पूरी पत्तियां जो कि गिरी हुई है नीचे पेड़ से, क्योंकि हवा इतनी चल रही है और पतझड़ का भी मौसम है। धन्यवाद। ओह यहाँ गिरी हुई है बारिश और अभी भी बारिश हो रही है और सामने पे हो रही है बहुत तगड़ी बर्फबारी। मतलब ऊपर जंगल में, ऊपर गांव बोला था मैं, लेकिन ऊपर जंगल में बर्फबारी हो रही बहुत तगड़ी वाली, और यहाँ पे रोड आपको दिख ही रही होगी, बोलने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा कि रोड पूरी गीली हो रही है और रास्ते में इतने बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए हैं ऊपर से, जो कि पूरी पत्तियाँ गिरी हुई हैं और अभी पत्थर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो कुछ पत्तियां जो काली हो रखी हैं और कुछ पीली हैं, और पत्थर एक काला था वो एकदम नीचे आ गया टायर के, एक पत्थर बचाया मैंने और एक दिखाई नहीं, और एक टायर के नीचे आ गया था लेकिन इतना टच हुआ उस पर, तो बड़ा पत्थर था काफ़ी। ये भाई साहब ये दिन से यहाँ पे हैं, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। जब हम नीचे आ रहे थे तो ऊपर वाले बैंड में थे, अभी ये नीचे वाले बैंड में है। बारिश गिर रही है इसलिए मैं थोड़ा तेज चला रहा हूँ। अनु भाई बोल रहे हैं आराम से चलो, गीले हो जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन दोनों आदमी वैसे ही बीमार हैं, तो हमने चाहता कि भाई साहब जो है कि हम गीले हो जाएं और बीमार हो जाएं, क्योंकि ब्लॉक कैसे डाल पाएंगे और बाकी ये काम भी करने होते हैं वो कैसे करेंगे अगर बीमार रहे तो। तीसरा गियर दूसरा डालना चाहिए था। लेकिन भाई साहब ये 160 है, लेकिन इसकी जो पावर है तो क्या बताया जाए, मेरी बाइक में इतनी पावर नहीं है, मेरी 200cc की बाइक है, लेकिन मेरी बाइक, ओ भाई साहब बैंड पे पत्थर था, पीछे के टायर पे पत्थर लगा, उसके बाद गाड़ी एंसिस गिर हुई। अपाची होती, अपाची बता रहा हूँ मैं, अगर एक्सपल्स होती है तो उस पत्थर का भी पता नहीं चलता, लेकिन इसमें डर तो है भाई फिसलने का, क्योंकि तो छोटी बाइकें हैं, इसमें पावर ज़रूर है लेकिन ऑफ रोड के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर सिंगल पत्थर भी आ रहा है तो टायर ऐसे कि यहाँ से वहाँ जा रहा सीधा उछल के, तो अभी वही डर लग रहा है मेरे को थोड़ा। ओहो अभी कैमरे में पानी आया होगा पता नहीं, मेरे वाइजर पे मैं अभी रियलाइज़ कर रहा हूँ कि काफ़ी बूंदें आ रही हैं यहाँ पे। तो ये मजोसी जा रहा है, तो ये मजोसी पहुंचने में इतना सुकून नहीं मिला जितना कि सामने आग जली हुई देख के सुकून मिल रहा है। और भाई साहब अपाची को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है, क्योंकि मेरे को इसको पीछे का ब्रेक मारने में थोड़ा डर लग रहा है, मेरे को अगर मैं ज़्यादा जोर से ब्रेक खींचूंगा तो हो सकता है कि स्किड हो सकता है पीछे का टायर, वैसे ही पीछे का ब्रेक मारने में मेरे को डेली से डर लगा हुआ है, क्योंकि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था मेरे पिछली ब्रेक की वजह से हुआ था, क्योंकि मैं सेकंड गियर में था, और मैं था सेकंड नहीं थर्ड गियर में था मैं, और मैं चल रहा था 50 की स्पीड पे, और मैंने जो ब्रेक लिया एक्सीलेटर छोड़ा नहीं मैंने, और सीधे ब्रेक ली पीछे वाली और गाड़ी यूँ 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 लहराते हुए गया सामने तक और फिर गिरा मैं, तो मुझे पीछे की ब्रेक मारने में थोड़ा डर लगता है। तो अपाची तो ऐसे आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, ऐसे बाहर निकल रही है। ओहो काफ़ी दिनों बाद इतनी भीड़ देखने को मिल रही है। बाइक पार्क करते हैं और आग सीखते हैं, तो अभी आग सीखते हैं और फिर निकलते हैं घर की ओर। ये देखो
चलो।